Hi guys, welcome back to our channel. Welcome to BNM's vlog. और यहाँ हम आ चुके हैं घर, और आज घर आते ही देखो कि क्या हो रहा है यहाँ पे. मेरे दोनों बच्चे पागल हो गए हैं. पागल. Look at you, Ashu. Look at you, Nanu. Ashu, पागल बोल रही है तेरी अम्मा मम्मी. Ashu, पागल बोल रही है तेरी अम्मा मम्मी. Ashu, Ashu का दांत देखो, तेरा दांत देखो. Ashu, सुने? हाय, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? इनकी मस्ती चल रही है गाइस. तो बस मैं हो चुकी हूँ तैयार जिम जाने के लिए, क्योंकि आज ऑफिस ही जाते आते ही हमें जिम जाना है, और भी बहुत सारे काम है आज करने के लिए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज डे. ऑफिस से आते ही पहला काम है जिम जाना. लेट्स गो. पहला काम है आशु के साथ खेलना, फिर है जिम जाना. इसे देखो, इसे देखो. कैसे गंदे तरीके से खेलते हैं लोग. ये लोग गंदे बच्चे हैं क्या? गाइस, आप ये एरिया देख रहे हो? आपको दिख रहा है? ऐसे हम जिम से ही बाहर निकलते हैं, बट मैं दूसरे कपड़ों में आ चुकी हूँ जिम करके. सो हम एक्सरसाइज कर चुके हैं, मेरा चेंज हो चुका है, बिकॉज अभी हम कहीं जा रहे हैं. हाँ, और ये दीदी को देखो, दीदी ने आज एक्सरसाइज नहीं करी है. क्योंकि क्योंकि ये कौन बोला? क्योंकि ये कौन बोला? क्योंकि नानू दीदी को नॉट फीलिंग वेल हो रहा है महीने वाला. दीदी, ये क्या होता है? नॉट फीलिंग वेल हो रहा महीने वाला. वाओ, महीने में एक टाइम तो नॉट फीलिंग वेल होता ही है ना. वाओ, एवरी फीमेल्स को महीने में एक बार नॉट फीलिंग वेल वाला होता है. ये ही सुनना चाहती हूँ तुम्हारे मुंह से. मैं तो अपना बोल ही देती हूँ. ये क्या लाइन थी? I just wanted to listen this from your mouth, so that's why I didn't say anything. I don't have any problem with that. So guys, as Nanu said, Nanu ko hue hai periods. Abhi hue. क्योंकि अभी actually gym में आ गई थी वो, और दो exercise हमने कर लिए थे, उसके बाद तो periods हो गए. ये कभी भी आ जाता है बिना बुलाए, है ना? देखा राउंड मार के आ गया मैं. फिर ये घर गई, क्योंकि हमारे ये बैग में पैड नहीं था. फिर ये घर गई, फिर पैड लगा के आई. फिर अब मैं तो एक्सरसाइज कर ली मैंने पूरी, फिर नाम ने एक्सरसाइज नहीं की, क्योंकि पीरियड्स के पीरियड्स के एक्चुअली 3 दिन तक तो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए. अब तुम क्यों कह रही हो? एक्चुअली मुझे एक बात समझ नहीं आती है, लोग पैड से इतना वो क्यों करते हैं? मैंने ऑफिस में भी देखा, एक लड़की को बीच में ना भी पैड चाहिए था भाई. वो बंदी अपना लिटरली पूरा का पूरा बैग वॉशरूम तक लेके गई है, दूसरी से मांग के पूरे बैग से निकाल के अंदर तक दिया है. मतलब मेरे से मांगा होता तो मैं ऐसे बैग वैसे ले देते. ले क्या है यार, दिस इज वेरी कॉमन यार. बिकॉज अभी हम वो जनरेशन में नहीं है, और ये बचपन से पढ़ाया जाता है. इनफैक्ट अब तो 6th या 8th क्लास से पढ़ा रहे हैं ये चीज. आजकल के लड़कों को इनफैक्ट हमारे मेरे टाइम पे ना 10th में पढ़ाना स्टार्ट किया था ये चीज के बारे में, बट आज इस टाइम के टाइम पे 6th क्लास से पढ़ा रहे हैं. आई डोंट थिंक ये कोई बड़ी बात है. आजकल लड़के भी इतना कॉमनली मतलब नॉर्मली लेते हैं कि दे नो, उनके भी बहन माँ है, उनको पता है. यस, वो धुमकेश्वरी. अभी ना गाना चल रहा था धुमकेश्वरी, और आज हम अपोजिट साइड से जा रहे हैं गाइस. ये देखो, चलो गाइस, बाय बाय गाइस. हम पहुंच चुके हैं हमारे सेकंड होम, क्योंकि हमें जिम से यहीं आना था. आज का दिन पूरा प्लान्ड है हमारा, कि हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं. ये अपने फोन में बिजी ऑफिस की चीजें देख रही है, और अभी हम अपनी बिल्डिंग की चीजें देख रही है, और अभी हम कहीं जा रहे हैं और कुछ देखना है. तो लेट्स गो, क्योंकि हम लाइफ स्टोरी शॉपर स्टॉप ही जा रहे हैं. तो देखते हैं वहाँ कुछ अगर मिल गया तो टॉपी. आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि हम करने कहीं जाने वाले हैं. कंफ्यूजन की दुकान, कौन सा बैग लिया जाए? देखो, एक है टॉमी, एक है स्काई बैग्स. गाइस बता दो फटाक से कौन सा बैग ले लें. गाइज, हम तो बहुत ही दुखी आ जाते हैं. देखो, हम जिम करते ही हम इधर आ गए हैं. कम हो जाएगा, पैसा हो जाएगा ना. हाँ, मेरा मतलब भी दो बुक रखनी है तो सही लग रहा है. अब एक दो चार चीजें जो होती है दिखा पीछे से. तो गाइज, स्काई बैग्स ले लें, या फिर ये ले लीजिए. थोड़ा ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब मैं भी यूज कर सकती हूँ ऐसा. वैसे मतलब मैं वो भी यूज कर सकती हूँ. मैं तो कहीं जाऊँगी. यूज कर लेते हो? हाँ, तो वही ले ले, अच्छा लग रहा है वो, थोड़ा नया स्टाइल है. हाँ, तो मैं वो चीज ले लूँ? नहीं, मेरे को नहीं चाहिए बैग ये. हाँ, आगे बढ़े काम पे. चलो चलो, ये हमारी लड़की स्कूल चली. मैं हमारी स्कूल जा रही लड़की हमारी. तो ये अच्छा लग रहा है छोटू सा, पता है पीछे से. एक्चुअली अच्छा लग रहा है ये बैग. डन विद द बैग गाइस.
शॉपर्स स्टॉप घूम लो। गाइस फाइनली हमने बैग ले लिया है। इतने टाइम बाद नानू कब से बोलती आ रही थी कि बैग लेना बैग लेना बैग लेना। थोड़ा सस्ता सा मिल गया, सस्ता सा मिल गया, अच्छा मिल गया। तो वही तो बोल रहा हूं, सस्ता सा अच्छा मिल गया। हां प्यारा बैग मिल गया। वैसे 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 तो 2000 का है, छोटा सा बैग है। थैंक यू बट अब जो एक्चुअली मेरे को लेना है मैं वो तो लूंगा, बट अभी नहीं लूंगा। अब वो मैं बाद में लूंगा। वो बहुत ही गंदा बॉय था, वो लिटरली मुझे ऑफिस में रखने में अजीब लग रहा था। थोड़ा सा ऐसा अच्छा होना चाहिए। अब आने वाले जाते हैं अच्छा बैग लेके जाओ। यहाँ तो कुछ चाहिए। तो गाइस अभी जहाँ मैं बोल रही थी इसको कुछ लेना है, तो हम वहाँ से भी कुछ लेके निकल लिए। मिनी सू, एक झैकलिंग, तो कुछ ना कुछ लेना होता ही है। इसके सॉक्स गायब हो जाते हैं, लोग अतरंगी चीज होती है, इसके सॉक्स गायब होते रहते हैं। मेरे सॉक्स गायब हो जाते हैं। और ये करंट मार रही है, करंट मार रही नानू, करंट मार सैया हमार, करंट मार रही है नानू हमार, करंट मार रही है, करंट मार रही है गाइस। ये बदतमीज लड़की है ये। तो तुम अपनी रिंग पूछ लो। अब क्या पूछो, कल ही तो पूछा है, कल नहीं आई, आज कहाँ से आ जाएगी। Guys, let's go home. Bye bye. मैं मारती नहीं हूँ, मैं प्यार से मारती हूँ उनको। आप लोग भी तो थोड़े से आग लगवा रहे हो हमारे में, आग लगवा रहे हो हमारे। अरे यार ये तो मैं इससे परेशान हूँ। इससे ये जो है ना ये बंद है एस्केलेटर, एस्केलेटर अंडर मेंटेनेंस है, ठीक है, हमें नीचे जाना है। बट वी आर वेरी आलसी, तो हम यहाँ से ना जाके हम H&M से एंट्री करेंगे, फिर नीचे जाएंगे और फिर वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। हम H&M में, हम H&M में देखो। अरे चली गई, मैं जा रही हूँ गाइस, रुको। नहीं नानू, तुम बाबू बहुत आगे चली गई। ओ नानू तुम मेरे से आगे चली गई। ओ दीदी तुम मुझे बड़ी याद आ रही हो दीदी। ओ दीदी ओ दीदी पकड़ लो मुझे, पकड़ लो पकड़ लो। क्योंकि ऊपर सब बंद था, बंद नहीं था भरा था। ये है इनोर बीट की पार्किंग, पार्किंग जैसे मैं तेरे को बोलती थी याद है स्टार्टिंग में, क्या बोलती थी तुम? ना सर बजेगा स्टार्टिंग में, अरे सर बजेगा ऊपर, इसका सर बजेगा गाइस। देखो उल्टा करके दिखा, एक्चुअली लगेगा ये। देखो देखो कितने दब यूज किया है बेचारे को, पिचका दिया है इन लोगों ने। गाइस हम आ चुके हैं घर, जैसा आपने पहले देख लिया, नहीं देखा, आई डोंट नो, देखा नहीं देखा, हम वापस आ गए थे घर। ओहो नहीं आए, कोई नहीं, अब आ गए, देख लो। और यहाँ पे हमारी लड़की पूरी तरीके से अपने सर में मेहंदी लगाई हुई है एंड ब्रेकफास्ट कर रही है। ब्रेकफास्ट कर रही है हमारी लड़की, करती है रात में ब्रेकफास्ट। ये देखिए आशु, वेट आशु की अम्मा, वेट। तो गाइस और मैं अंडा खा रहे गाइस। बिल्कुल बिल्कुल, रात के 10:10 बाय द वे ये टाइम देख रहे हो, ये 10:10 वाला। बेसिकली कभी भी कोई घड़ी की दुकान में जाओगे ना तो आपको यही टाइम हर घड़ी में बजा हुआ दिखेगा। मेरे को आज तक बचपन से ना समझ नहीं आया कि ये 10:10 क्यों दिखाते हैं। मैं कभी भी किसी वैसे मेले में भी जाते थे, वहां पे जो घड़ियां मिलते थे, ऐसा क्या है हर में दस का राज। एग्जैक्टली मुझे आज तक, तूने देखा कभी ये राज पूछा जाए? तूने देखा है मोस्टली, मतलब ध्यान दिया कभी? मैं हमेशा मतलब बचपन से मैंने ये चीज देखी है, मेले में भी, डिज्नीलैंड में या फिर घड़ी की शॉप्स में, हमेशा 10:10 रहता है। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, आई डोंट नो। सो अगर आपको इस चीज का आंसर पता है तो बता दो मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता। आपको पता है? आपको नहीं पता? अशोक आपको पता है? नहीं।
देख लो मैं लड़की ने बना लिया अपने लिए खाना। नानू क्या खा दिया? वो नानू ने अभी तक डिसाइड नहीं किया। अब नानू ने बोला एक दिन क्या ही घर का खाना खाएं जब 5 दिन तुमने बाहर का ही खाना है। तो मैं बनाना नहीं आता मुझे, झूठी आता सब कुछ है, करना नहीं चाहते। गैस मिलते थोड़ी देर के बाद क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आगे बहुत सारा काम बाकी है। अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं। ये हमारी लड़की, ये हमारी लड़की नींद उड़ाने में कम थोड़ी है। इसका इसका तो ट्रिप चलते रहते हैं, इसके तो काम खत्म हो जाते हैं, इसकी तो छुट्टी भी मिल जाती है, मेरा तो कल ऑफिस भी है। क्या कर सकते हैं, मजदूरों वाली लाइफ चल रही है। अगर पानी जा रहे होते तो मैं इस टाइम पे पुणे होती, वो भी 3 दिन के लिए। ओह गॉड, नथिंग न्यू। सो गाइस, एक्चुअल में देखा जाए तो मजदूरों वाली लाइफ चल रही है, जैसे कि मैं बोल रही थी, एंड आई डोंट नो क्या चल रहा है क्या नहीं। और हाँ, एक चीज जो मुझे क्लियर करनी है वो ये है, वो यह है कि हमारे व्लॉग 2 बजे नहीं आ पा रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारे कमेंट मैसेज और हर चीज आ रही है कि अगर आपको टाइम से नहीं डालना होता है तो बता दिया करो, हम वेट करते हैं। अब पॉइंट ये होता है कि हमें लगता है कि हमारे पास टाइम मिल जाएगा, उतने में वो एडिट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, बट नहीं, आज अपलोड का टाइम नहीं मिला, बट नहीं हो पाता जो चीज, वो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखो यार, ऑफिस का टाइम होता है दोनों का ही, एंड व्लॉग इसके पास होता है, व्लॉग ये एडिट करती है, व्लॉग ये अपलोड करती है। बहुत रेयर होता है कि मैंने एडिट कर दिया है तो वो अपलोड कर देगी, तब टाइम से पहुंच जाता है, बट नहीं होता टाइम यार, समझा करो। एंड वो चीज जो आप हमें बोलते हो ना कि बता दिया करो पहले से, हमारे पास उसका भी टाइम नहीं होता, क्योंकि हमें, मेरे को आज यही हुआ कि अब ब्लॉग में एडिट हो गया था बट अपलोड नहीं हो पाया, सर आ गए थे मेरे एमडी, तो जब वो आ रहे थे तो हम फोन में ज्यादा देख नहीं पाते। और एक्चुअल में मेरे साथ तो अभी ऐसा हो गया था बीच में कि लिटरली मैंने कितने टाइम तक इंस्टा ही नहीं ऑन किया। इंस्टा छोड़ो, फोन में मेरे से व्हाट्सएप के अलावा ना कुछ नहीं चलता है, क्योंकि मेरा काम व्हाट्सएप पे होता है, इसलिए मुझे व्हाट्सएप भी चलाना पड़ता है, अदरवाइज मुझे लगता है मैं व्हाट्सएप भी ना चले, इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें टाइम ही नहीं पता चलता है। कभी कभी ना मेरे को ऑफिस से निकल के कॉल करती हूँ कि टाइम क्या हो रहा है, और कभी मैं करती हूँ उसको ओ अभी तक नहीं पहुंची। तो ये दो चीजों में ना लिटरली मुझे टाइम नहीं समझ आता, और एक्चुअली लिटरली सॉरी क्योंकि हम नहीं बता पा रहे हैं आपको, बट हम ट्राई करते हैं कि चीजें हो जाए, नहीं हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, क्या कर रही है हमारी सिचुएशंस के साथ, समझा करो। गाइस, हो रही है पैकिंग, जा रही है नानू कहीं, कहाँ जा रही है ये लड़के, सबको पता नहीं है कौन कहाँ जा रहा है। गाइस, कहाँ जा रही हो तुम? मेकअप किट भी रखनी है नानू इसमें। ये रही जगह, हो गई पैकिंग, हो गई क्या पैकिंग? डन 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 डन, चल रही कारिस्तानी। ये देखो मेरे हील वाले में से छोटी बॉटल में ट्रांसफर किया जा रहा है परफ्यूम, क्योंकि कैरी कर रहा है और इतनी बड़ी बॉटल ले जाने का कोई सेंस नहीं है, मेरे को लगता है कि टूट जाएगा। ये नानू की कारिस्तानी चल रही है, देखो ध्यान से, ये मेरे पास ऑलरेडी एक छोटा सा पॉकेट परफ्यूम वाली बॉटल है। कितना हो गया? आधी आधी हो गई ना, बहुत ही है ना, इनफ है, डन। बस बहुत है, आधी बॉटल भर दी। ये गाइस देखो, पूरी खाली थी बॉटल, आधी भर गई, डन। नहीं नहीं, कुछ ढक्कन नहीं खोलना, मत कर, ये हैक्टिक डे का काम अभी तक भी खत्म नहीं हो रहा, बट अब हम डन हो चुके हैं, अब हमें सोने का मन हो रहा है, और पैकिंग हो चुकी है, बैग रेडी है, वो बैग रेडी है, नानू का नया बैग वो वाला हमने ले लिया जो आपको दिखा रही थी, वो बैग ले लिया फाइनल, है ना। कैसा लगा तुम्हें बैग तुम्हारा, अच्छा लग रहा है? मस्त लग रहा है, ये तो हमने वहीं पे दिखा दिया था, ले लिया, दो दिखा रही थी हमें टॉमी वाले, एंड में जब तू बिल निकाल लेके निकले थे, मैं कहती हूं फाइनली, हां वो ले लिया था, दिखा तो दिया था पहले, लेके जो घूम रही थी, मैं तो बच्चे लग रहे थे, मैं पहाड़ी बच्चे लग रहे थे ना, तो वही वाला पहाड़ी अच्छे लग रहे थे ना, गाइस अच्छा नहीं लग रहे थे, अब बताओ इसके ऊपर अच्छा लगेगा क्या, बैग नहीं लगेगा बता दो, मेरे ऊपर तो अच्छा लग रहा था गाइस, इसके ऊपर भी अच्छा लग रहा था वैसे, तभी तो लिया है हमने, क्योंकि लिया तो नानू के लिए आई है, क्योंकि इसका जो बैग है ना पुराना वाला, वो बड़ा अजीब सा बैग है,
अच्छा नहीं लग रहा था वो ले जाने के लिए ना, फिर नया बैग चाहिए था बहुत टाइम से, पर छोटे बैग नहीं थे इन लोगों के पास, तो बड़े बड़े मिल रहा था स्कूल बैग टाइप। हाँ लास्ट टाइम फिर हम गए तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो आपको मिल जाएंगे एक्चुअली उनके पास अच्छे ऑप्शन थे। हाँ और भी थे अच्छे, और फिर फाइनल हमें ये पसंद आया तो हमने ये लिया, क्योंकि हमें छोटे ऑप्शन छोटे में चाहिए था, बड़े में भी बहुत प्यारे प्यारे बैग्स आ गए थे वैसे तो, है ना। लास्ट टाइम एक बड़े में हमें पसंद आया, अच्छा लगा था लास्ट टाइम ब्लैक वाला। हाँ पर एनी वेज चलो गाइज बहुत थक गया, टाइम हो गया है 12 बज चुके ऑलरेडी, 12:30 आई गेस 12:30 हो गए, सुबह उठना भी है, एक कहते हैं सर और हम एक बज गए गाइज, 3 घंटे की नींद है बस। ओहो चलो सो जाते हैं, सो के मिलते हैं फिर आपसे कल, मैं तो सो रही हूँ अलग अलग। तो गाइस इसी के साथ करते हैं ये वाला व्लॉग एंड, आपको करना लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन पे सब का लिंक। Bye bye, good night to Dells. Gitchy gitchy go say I love you. Thank you. Osho kelo nanu ki ting. Bye. Good night. To Dells. To Dells. Ting. To Dells. Ting. To Dells. Ting. To Dells kar lo yahan pe bhej do. Main nahi karungi ting. To Dells karo pehle. Ting. To Dells karo. To Dells. Ting. Ting. Bye. Touch karo par ting mein. तो नहीं टिंग में टच नहीं होता मेरा गाइस, आपका टच होता है क्या फिंगर्स, ये ऐसे करके ये दो फिंगर आपको आपस में टच करना, जैसे नानू कर रही है, इसकी फिंगर नहीं है, इसकी फिंगर रबर है। बाय आशा, देखो आशा चले ओके बाय गुड नाइट।